ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के तारीखी कस्बे सरधना में 16 जुलाई 2024 को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ऐतिहासिक बूढ़ा बाबू मेले में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद हाजी तहसीन कुरैशी साहब की सदारत में हुआ। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे मुजफ्फरनगर के MP हरेंद्र मलिक साहब, इफ्तिताह किया अतुल प्रधान साहब MLA सरधना, शमा रोशन की अदब नवाज शख्सियत आगा एनुद्दीन शाह साहब ने, मेहमान एजाजी रहे निजाम अंसारी साहब साबिक चेयरमैन सरधना, इरशाद कुरैशी साहब समाज सेवी, हाजी इकराम अंसारी साहब समाज सेवी, हाजी अयूब गुज्जर साहब समाज सेवी, मुशायरे के कन्वीनर रहे वार्ड नंबर 25 के हरदिल अजीज पार्षद इमरान ठाकुर साहब, और मुशायरे के कन्वीनर रहे युवा सपा नेता शावेज अंसारी साहब चेयरमैन पुत्र। मुशायरा कमेटी में पार्षद फरमान अंसारी, पार्षद हाजी मन्नान कुरैशी, पार्षद शकील मिर्जा, पार्षद फिरदोस कासिम और पार्षद डॉक्टर राहत परवीन के नाम सरे फहरिस्त हैं। मुशायरे की शानदार निजामत की आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा रियाज सागर साहब ने, तारीफ करता हूँ एक ऐसे शायर से जिसे मैं अगर ये कहूँ तो मैं भी आज पहली बार ही सुनूंगा, लेकिन मैंने तारीफ बहुत सुनी है। तारीफ इसलिए सुनी है कि मैंने सुना है, अभी ये बता रहे थे इकराम भाई और हमारे इमरान ठाकुर साहब कि वो कई शायरों की अदबी सरपरस्ती भी करते हैं, बहुत खूबसूरत तरन्नुम के शायर हैं, गजल के दो मिसरों में जिंदगी के हकायक को इस तरह बयान करते हैं कि कहानी उसकी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। मेरी मुराद है जनाब नजमे हसन प्रतापगढ़ी से, जो आपके दयार में पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं, और मुझे यकीन है कि वो भी आपकी मोहब्बतें लूट कर ले जाएंगे। आप इस्तकबाल करें जनाब नजमे हसन प्रतापगढ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाल्लाह ये मुशायरा बिल्कुल कामयाब हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ कि चंद अशार मेरे भी इसमें शामिल हो जाएं, तो जल कल जब इस मुशायरे की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा भी छोटा सा नाम आ जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मैं शुरू कहीं और से करना चाहता था, लेकिन अब आपकी बेदारी को देखते हुए मेरा ईमान मेरा यकीन क्या कहता है, चार मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ, स्टेज से भी जो है दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला, मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा यकीन क्या कहता है, सरधना वालों सुनिएगा कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला वो बनाने वाला है, है समंदर में भी रस्ता वो बनाने वाला। अब चौथे मिसरे पे आपकी खास दुआएं चाहता हूं कि है समंदर में भी रस्ता वो बनाने वाला, जुल्म करते हैं जो हम बजा दे माशाल्लाह कि है समंदर क्या कह रहा है, वाह वाह, रस्ता वो बनाने वाला, पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला।
आने वाला। इमरान ठाकुर साहब, शावेज भाई, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतने अच्छे समाइन से मेरी मुलाकात कराई। अब चार मिसरे मैं और पढ़ रहा हूँ, ये मेरे चार मिसरे किसी खास पार्टी को इंडिकेट नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां, मैं सबको मुखातिब करके ये सिर्फ सरदना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अवाम की तरफ से ये चार मिसरे पढ़ रहा हूँ। मुलाहजा फरमाएं, आने वाला कि हर किसी शख्स को दमदार नहीं कह सकते, माशाल्लाह, कि हर किसी शख्स को दमदार नहीं कह सकते, रेत को आहनी दीवार नहीं कह सकते, रेत को, रेत को आहनी दीवार नहीं कह सकते। और जिसकी सरकार में मर जाते हो भूखे बच्चे, जिसकी सरकार में मर जाते हो भूखे बच्चे, ऐसी सरकार को सरकार नहीं कह। और सुना दो भाई, दो चार शेर और सुना दो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप माशाल्लाह। बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बत है आपकी। ये सुनना चाहते हैं एक बार पूरा मजमा, जोरदार ताली है मेरी, हौसला अफजाई फरमाए, माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, चार में से और पढ़ रहा हूँ। मुलाजा फरमाए कि तेरे गुरूर का सूरज ये ढलने वाला, किसी का नाम नहीं लूंगा, इशारे में आप मैं बात समझ जाएंगे मैं कहां पहुंचाना चाह रहा हूं, कि तेरे गुरूर का सूरज ये ढलने वाला है, बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है, बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, एक बार जोरदार ताली बजा के मेरी हौसला अफजाई फरमाए कि बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे। माशाल्लाह आपकी निजामत में पहली बार पढ़ रहा हूँ लेकिन मजा आ गया, आपने इतनी अच्छी निजामत फरमा रहे। एक बार इमरान भाई सागर साहब के लिए जोरदार ताली बजा दे। जी नहीं कह सकते, तेरे गुरूर का सूरज ये ढलने वाला, बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है, ये बात कह दो जरा वक्त के फिरौनों से, तुम्हारे घर से ही मूसा निकलने वाला है, तुम्हारे घर से ही मूसा निकलने वाला है, जिधर देखो जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार
की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी, जब जब यहाँ पर चोर ही बन कर के चौकीदार बैठे हैं। चोर ही, मैंने किसी का नाम लिया? आप समझ गए बात? मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं बात पहुंच गई, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि मैं जो बात बोलूंगा हक बोलूंगा, सच बोलूंगा और संविधान के दायरे में बोलूंगा। और इसलिए भी बोलूंगा कि मैं एक अदना सा एडवोकेट हूं लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर, मुझे मालूम है कब कहां पर कैसी शायरी पढ़नी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दें कि ये यहां पर चोर ही बन कर के चौकीदार बैठे हैं, कुछ भी बोलो उनको कोई शर्म नहीं, कि कुछ भी बोलो उनको कोई शर्म नहीं, बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठे हैं, बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठे हैं। तीन तलाक पे बातें करते हैं वो लोग। अब अगला मसला अगर समझ में आए तब तालियां बजाना, इशारा समझना कि तीन तलाक पे बातें करते हैं वो लोग जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं, जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं। तीन तलाक पे बातें करते हैं वो लोग जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं, जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं, जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे। यहां से चार मिसरे और नवाजा फरमाए कि हमेशा हक का परचम हमें उठाना है, हमेशा हक का ही परचम हमें उठाना है, खिलाफ जुल्म के नारा हमें लगाना है, खिलाफ जुल्म के नारा हमें लगाना है। और आज का ये खास दिन मुहर्रम का, इस हवाले से शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए कि खिलाफ जुल्म के नारा हमें लगाना है, सर कटे मगर गर्दन नहीं झुकाना, क्या हुआ भाई? वकील साहब तो खुशकी आ गई, चुपचाप बैठ गए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पढ़ा। सरधना में पहली बार आए, आपके दिलो दिमाग पर दस्तक दी, मुशायरे में बड़ी जिंदगी पैदा की, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। दोस्तों हाँ, अभी मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि आज के इस मुशायरे में पूरी रात हम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे, इंसानियत का दर्द होगा, और हमारे शोरा इकराम दिलों को तोड़ने का काम नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का काम करेंगे। तो मेरी तमाम शोरा इकराम से गुजारिश है कि कोई भी ऐसी सियासी बात ना करें जो किसी के दिल तोड़ने का काम करें या मुशायरों पर दाग आए। मैं आम बात कह रहा हूँ, किसी से नाम नहीं ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको पसंद आएगा। मैं अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करें तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 999-7640286। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए सरधना से।